Friends, welcome back to my YouTube channel, Studyship with Krati. In this video lesson, we are going to continue our Chapter 6 of Political Science of Class 11 in CRT. Our Chapter 6 name is Judiciary. Let's continue the remaining topics. हमने Part 2 में जो articles हैं, ये मैंने ठीक तरीके से describe नहीं किए थे, तो हम फिर से एक बार इनको देखते हैं. Article 137. आर्टिकल 137 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है कि वो किसी भी जजमेंट को दोबारा देख सकती है, यानी जो खुद उसने उस किसी इशू पे है जो है डिसीजन लिया था, फिर उसको दोबारा जो है वो रिव्यू कर सकती है. इसके लिए बेस्ट एग्जांपल अगर हम ले तो अभी का लेंगे, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी. आपको पता है बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी रही इसको लेकर. राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट है हमारा. ये कैसे, एक्चुअली आधार कार्ड वाला मुद्दा था कि आधार कार्ड का जो है वो अब हर जगह यूज हो रहा है. यानी आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो भी हर जगह जाएगी. इससे चांसेस है कि आपकी प्राइवेसी जो है उसको खतरा है, यानी आपका राइट वायलेट हो रहा है. तो इसी को लेकर जो है आपका राइट टू प्राइवेसी को लेकर कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है यानी मौलिक अधिकार है या नहीं, क्योंकि अगर मौलिक अधिकार है तो पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी उसके लिए, लेकिन राइट आपका चेंज नहीं होगा, वो वही का रहेगा, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, वो वायलेट नहीं होना चाहिए. तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो राइट टू प्राइवेसी वेदर फंडामेंटल राइट है या नहीं, तो जब 90s में करीब आप कह सकते हैं 1973 के आसपास और हो सकता है 1982, तो उस टाइम पे जो है जब बेंच बुलाई गई थी जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, उस टाइम पे ये निकल के आया था कंक्लूजन कि जो हम राइट टू प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट नहीं है यानी मौलिक अधिकार नहीं है. बट अगर हम अभी की बात करें 2017 की, जो अभी केस हुआ था उसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उस केस को देखा, क्योंकि गया तो वो पहले भी सुप्रीम कोर्ट के पास गया था ना, तो उसने ये देखा कि नहीं, जो राइट है हमारा राइट टू प्राइवेसी ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये लाई करता है राइट टू, मतलब आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही ये लाई करता है. तो इससे क्या पता चला कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोई भी केस वेदर उसके पास आया हो वो उसको रिव्यू कर सकती है, यानी दोबारा देख सकती है. आर्टिकल 144 की बात करें, आर्टिकल 144 से मतलब है जितने भी ऑथोरिटीज हैं और बाकी के लोग हैं यानी जो टेरिटरी के अंदर आते हैं इंडिया के, उन सभी को सुप्रीम कोर्ट के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, यानी जितने भी कोर्ट्स हुए, जितने भी ऑथोरिटीज हुई, सभी को सुप्रीम कोर्ट के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट है जुडिशियरी एंड राइट्स. जुडिशियरी और राइट्स में हम देखेंगे ये किस तरीके से जो न्यायपालिका और अधिकार हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं. पहले हम अपना ये वाला आर्टिकल देखते हैं, जुडिशियरी एंड पार्लियामेंट. जुडिशियरी और पार्लियामेंट की बात करें यानी संसद और न्यायपालिका की, तो इनमें कई बार जो है ये देखा गया कि दोनों ही एक दूसरे के काम में इंटरफेयर कर रही हैं. यानी अगर हम बात करें एक केस की राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि 1969 को जो है फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था, क्योंकि पार्लियामेंट जो है संसद है वो चाहती थी कुछ लैंड रिफॉर्म्स जो है उनके बारे में इशू था ये, और जुडिशियरी है मतलब उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी था लोगों के पास यानी संपत्ति का अधिकार था. पार्लियामेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे ये जो है राइट वायलेट हो रहा था, उधर ही पे जुडिशियरी यानी न्यायपालिका ने बीच में इंटरप्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्ट किया कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे किसी का भी राइट वायलेट हो. तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है, दोनों ने एक दूसरे के काम में जो है इंटरप्ट किया है, क्योंकि ये मुद्दा हो गया था किससे रिलेटेड हो गया था, राइट से रिलेटेड हो गया था, अधिकार से रिलेटेड हो गया था, जैसे कि हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं. तो जब अधिकार के रिलेटेड बात हो जाए, खासकर फंडामेंटल राइट्स में, तो जुडिशियरी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक बात हमेशा याद रखिए, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जो एब्सोल्यूट होते हैं, मतलब इन पे कोई अंकुश नहीं लगा सकता, आपके ये रहेंगे, उसके लिए है जो पॉलिसी चेंज होगी, बट वो आपका राइट चेंज नहीं होगा, उसकी कुछ लिमिटेशंस है वो बात अलग है. तो इस तरीके से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ. जब फिर दोबारा जो है जुडिशियरी, हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से देखा, तो ये देखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट का क्या काम क्या है, मेनली सुप्रीम कोर्ट का काम ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑलरेडी दिया हुआ है उसका क्लियर मीनिंग लोगों को बताता है,
कई बार अगर हम देखें जैसे कि इस टॉपिक में जुडिशियरी एंड राइट्स, कई बार हम देखें जो हाई कोर्ट हुए और जो बाकी के कोर्ट्स हुए या फिर गवर्नमेंट भी हुई, कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे प्रोविजंस का अपने हिसाब से मतलब ले लेती है, मतलब कुछ लिखा कुछ और है, उसने कुछ समझ कुछ और लिया। तो सुप्रीम कोर्ट का काम यही है कि वो बताती है राइट मीनिंग बताती है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज दी है, जो भी अधिकारों के बारे में, जिस भी चीज के बारे में, अनुच्छेदों के बारे में बताया गया है, उसके बारे में क्लियर मीनिंग देती है। तो इससे हमें क्या पता चला कि कई सारे जो है इंटरप्शन हुए, बीच में हुए, जैसे कि हमने बताया लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव हुए, इन दोनों लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इन तीनों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, वरना सभी को अपना अपना काम करने में काफी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जो भी किसी काम में भी इंटरफेयर करेगा, आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ हो और सभी अलग अलग चीजों में एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि कोई कुछ और काम कर लेता है, कोई कुछ काम कर लेता है, कोई कुछ, तो दूसरा इंटरप्ट करेगा आपके कामों में, आपको बहुत गुस्सा आएगी। तो इससे पता चलता है सभी के काम सेपरेट है और किसी को भी किसी के काम में भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एट लास्ट हमें क्या पता चला कि लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, पॉलिसीज बनाना और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करना। वही हम बात करें एग्जीक्यूटिव की, एग्जीक्यूटिव का काम है जो भी लेजिस्लेचर रूल्स बना रही है, लॉज बना रही है, उनको इम्प्लीमेंट करना। व्हेयरएज जुडिशियरी का काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को डिस्क्राइब करना एज वेल एज लॉ से रिलेटेड काम करना, यानी कानून से रिलेटेड जो है काम करना, कानून को देश में बताना और सभी लोग उसकी इज्जत करें, सभी के लिए, सभी को उसका मतलब समझ में आए, सभी के पास जो है हक हो, अपने उसके राइट्स वायलेट ना हो, ये सब काम है इन तीनों ऑर्गन्स का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो यही था सारा हमारा लेसन था, ये लेसन काफ़ी इजी है, तो आप मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और मैं पॉइंट बताना चाहूँगी कैसे आप जो है क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से लिख सकते हैं। मैं इस पर दूसरा वीडियो तो बनाऊंगी ही, बट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जब भी आप कोई भी पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, या कुछ भी लिखने जा रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज सब्जेक्ट्स ओनली, किसी भी सब्जेक्ट का बेस्ट वे है, पहले तो आप डालिए, आप आंसर डालने वाले, पहले डालिए आंसर पॉइंट्स, पहले डालिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट्स के साथ क्या कीजिए, जो आप आंसर में लिखने वाले हैं उसके कुछ 5 पॉइंट्स हैं वो लिख दीजिए। जैसे कि कोई क्वेश्चन आ गया, कोई भी क्वेश्चन आ गया जुडिशियरी के बारे में बताइए, तो शॉर्ट में क्या लिख दिए, जुडिशियरी इंटरप्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्क इज ऑफ रिलेटेड टू लॉ, मतलब जो भी पॉइंट्स है जुडिशियरी से रिलेटेड जो आप आंसर में लिखने जा रहे हो, आज आप 5 पॉइंट्स जो है शॉर्ट में लिख दीजिए। फिर दोबारा हेडिंग डालिए आंसर इन डिटेल, आंसर इन डिटेल के बाद फिर आप लिखिए। इससे क्या होगा, आपका आंसर लेंथी होगा, क्योंकि आर्ट स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें काफ़ी लिखना पड़ता है, और ये का कोई लिख पाता है कोई नहीं लिख पाता है, ज़्यादातर लिखना पड़ता है। आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जो आंसर है वो भी काफ़ी बड़ा होना चाहिए, तो ये बेस्ट वे है, क्योंकि आप पॉइंट्स लिखोगे उन्हीं पॉइंट्स को लेके तो आप आंसर लिखने वाले हो। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, इफ सो देन प्लीज़ टेल मी थ्रू कॉमेंट्स, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।